देखिए जहां भी आप देखो, देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो, मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया जहां भी देखो, अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। और ये देश को बांटते हैं दिन भर 24 घंटे, ये देश को बांटने का काम करते हैं दिन भर 24 घंटे, इनका यही काम है। एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे, एक धन को दूसरे धन से लड़ाएंगे, हिंदुस्तान को तोड़ने का बांटने का काम करेंगे 24 घंटा। और फिर पूरा पैसा अदानी अंबानी। पार्टी का नेता सार्वजनिक तौर पर क्लैरियन कॉल देता हो कि हिंदुस्तान की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है। जो कांग्रेस पार्टी का नेता रेप जैसे संगीन जुर्म को पॉलिटिकल मॉकरी का हिस्सा बनाता हो, ये राष्ट्र के इतिहास में पहली बार हुआ है कि गांधी खानदान का एक बेटा सरेआम कहता हो आओ हिंदुस्तान में बलात्कार करो। आज मैं अध्यक्ष जी आपसे पूछना चाहती हूँ, इस सदन के नेता है राहुल गांधी, इस सदन के सांसद है, क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है कि हिंदुस्तान में हर पुरुष महिला का बलात्कार करना चाहता है? क्या राहुल गांधी का ये वक्तव्य है, संदेश है देश की जनता को कि वो सार्वजनिक आह्वान करते हैं कि देश की महिलाओं का बलात्कार होना चाहिए? अध्यक्ष जी आज ये मात्र इस सदन की महिला और पुरुष सांसदों की गरिमा की बात नहीं है, इस सदन का एक सदस्य पहली बार ये हिमाकत कर रहा है कि हिंदुस्तान की औरतों के बारे में उनका बलात्कार होना चाहिए, ऐसे शब्द उसके मुंह से निकल रहे हैं। हिंदुस्तान की किसी महिला से पूछ लीजिए अध्यक्ष जी, अगर आह्वान किया जाए उसके बलात्कार का तो उसे मुंह तोड़ जवाब देना आता है। आज मैं आप मेरे फोन पे अभी एक क्लिप है जिसमें नरेंद्र मोदी जी दिल्ली को रेप कैपिटल कहला रहे हैं, उसको मैं ट्विटर पे डाल दूंगा, पूरा देश उसको देख सकता है। दूसरी बात, मेन मुद्दा आज जो बीजेपी ने और नरेंद्र मोदी ने और अमित शाह ने नॉर्थ ईस्ट को जलाया है, मेन मुद्दा वो है। अब ध्यान उस मुद्दे से हटाने के लिए नरेंद्र मोदी जी और बीजेपी मेरे ऊपर ये बोल रहे हैं। मैं यहां स्पष्ट कह देता हूं मैंने क्या बोला, मैं रिपीट कर देता हूं। मैंने बोला कि नरेंद्र मोदी ने कहा था कि मेक इन इंडिया होगा, हमने सोचा कि अखबारों में मेक इन इंडिया दिखाई देगा, मगर आज जब हम अखबार खोलते हैं हमें सब जगह रेप इन इंडिया दिखाई देता है। कोई भी स्टेट नहीं है जहां बीजेपी राज कर रही है और दिन भर वहां पे महिलाओं पर बलात्कार नहीं। उन्नाव में बीजेपी के एमएलए ने महिला का रेप किया है, बीजेपी के एमएलए ने लड़की की गाड़ी पर एक्सीडेंट करवाया गया, नरेंद्र मोदी ने एक शब्द नहीं कहा, कोई कार्रवाई नहीं। देखिए हुआ क्या है, नरेंद्र मोदी जी हिंसा का प्रयोग करते हैं, हिंसा फैलाते हैं और आज पूरे हिंदुस्तान में हिंसा है, महिलाओं पे हिंसा हो रही है, नॉर्थ ईस्ट में हिंसा हो रही है,
कश्मीर में हिंसा हो रही है, पूरे देश में हिंसा हिंसा है। और जो हमारी स्ट्रेंथ थी, सबसे बड़ी स्ट्रेंथ थी इकोनॉमी, आज रघुराम राजन जी मेरे से मिले और उन्होंने मुझे कहा कि अमेरिका में, यूरोप में हिंदुस्तान की बात ही नहीं हो रही है, और जब बात होती है इकोनॉमी की बात नहीं होती है। अत्याचार, डिविजन, हिंसा, इन चीजों की बात होती है। तो जो हमारा रेप्यूटेशन था वो पूरा का पूरा उड़ा दिया है। ये बातें मैंने कल अपनी स्पीच में कही। नरेंद्र मोदी जी को यह भी जवाब देना है, महिलाओं की बात तो है मगर यह भी जवाब देना है कि हिंदुस्तान की जो इकोनॉमी थी उसको उन्होंने नष्ट क्यों किया। यह भी जवाब देना है कि हिंदुस्तान के युवा जिनके पास रोजगार था उनसे नरेंद्र मोदी ने रोजगार क्यों छीना। अब मैं बात करता हूं माफी मांगने की। मैं इनसे माफी कभी नहीं मांगने वाला हूं। थैंक यू। राहुल गांधी का चेहरा देखना है, राहुल गांधी का चेहरा देखना है तो जाके किसान के घर में चले जाओ, उससे पूछो तुम्हारा काम कौन करता है। किसान बताएगा राहुल गांधी करता है। राहुल गांधी का चेहरा देखना है तो बेरोजगार युवा के पास जाओ, उससे पूछो भैया तुम्हारे लिए कौन खड़ा होता है। बेरोजगार युवा कहेगा राहुल गांधी खड़ा होता है। क्योंकि नरेंद्र मोदी का चेहरा मीडिया पे, टीवी पे वही दो तीन चार उद्योगपति डालते हैं जिसके लिए नरेंद्र मोदी आपके पीने का पानी छीनकर उनको पैसा देता है। यह बात आपको समझनी ही पड़ेगी, और कोई रास्ता ही नहीं है आपके लिए। क्योंकि जब तक आप ये बात नहीं समझोगे तब तक हिंदुस्तान में बेरोजगारी रहेगी, तब तक आपको पानी का पीने का पानी नहीं मिलेगा, तब तक आपको बिजली नहीं मिलेगी, तब तक आपकी जमीन हर रोज आपसे छीनी जाएगी। अब आखिरी बात कहना चाहता हूं, देखिए जहां भी आप देखो देश में नरेंद्र मोदी ने कहा था मेक इन इंडिया, कहा था ना। अब आप जहां भी देखो मेक इन इंडिया नहीं भैया, अब है रेप इन इंडिया। रेप इन इंडिया जहां भी देखो, अखबार खोलो, झारखंड में महिला पर बलात्कार, उत्तर प्रदेश में देखो नरेंद्र मोदी के एमएलए ने महिला का रेप किया, उसके बाद गाड़ी का एक्सीडेंट हो गया, नरेंद्र मोदी एक शब्द नहीं बोलता। हर प्रदेश में हर रोज रेप इन इंडिया। नरेंद्र मोदी जी कहते हैं बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ। मोदी जी आपने ये नहीं बताया किससे बचाना है, बीजेपी के एमएलए से बचाना है। और ये देश को बांटते हैं दिन भर 24 घंटे, ये देश को बांटने का काम करते हैं दिन भर 24 घंटे, इनका यही काम है। एक जात को दूसरी जात से लड़ाएंगे, एक प्रदेश को दूसरे प्रदेश से लड़ाएंगे, एक धन को दूसरे धन से लड़ाएंगे, हिंदुस्तान को तोड़ने का बांटने का काम करेंगे 24 घंटा। और फिर पूरा का पूरा पैसा अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी, अदानी अंबानी। और मैं आपसे यह कहने आया हूं कि झारखंड में गठबंधन की सरकार बनेगी तो आपका जो पैसा है आपको पानी दिलवाने में जाएगा, आपको स्कूल दिलवाने में जाएगा, आपको यूनिवर्सिटी और अस्पताल दिलवाने में जाएगा, और किसान को सही दाम दिलवाने में जाएगा। और आप सबको मिलकर खड़ा होना पड़ेगा, एक साथ खड़ा होना पड़ेगा, और बीजेपी के लोगों को बताना पड़ेगा। अच्छा आखिरी बात भूल गया, ये मुझे बताओ आपका चीफ मिनिस्टर ईमानदार है या भ्रष्ट, ईमानदार है या भ्रष्ट, तो मुझे बताओ। पूरा झारखंड जानता है कि चीफ मिनिस्टर भ्रष्ट आदमी है। नरेंद्र मोदी दिन भर कहते हैं मैं भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ता हूं, तो अगर आप भ्रष्टाचार के खिलाफ लड़ाई लड़ते हो तो इसके साथ आप स्टेज पे क्या कर रहे हो। इसको चीफ मिनिस्टर आपने क्यों बनाया, इसको आप फिर से चीफ मिनिस्टर बनाने की कोशिश क्यों कर रहे हो।
अगर आप ईमानदार हो तो इसके साथ क्यों खड़े हो? चौकीदार, तो यह मैं आपसे कहने आया था, गठबंधन को पूरा समर्थन दीजिए। यहां पे भयंकर जीत होनी चाहिए गठबंधन की।